Welcome friends, second part of chapter number 14. In case you haven't seen the first one, please go and first watch that video. Aayye shuru karte hain. Our first topic for the day is currency swap. Well, currency swap ko main ek kahani se pehle aapko sikhata hoon, phir jo reading bolti hai, wo padhenge mere bachcho. Suppose mere paas 1 lakh dollars aaye hain, 1 lakh US dollars. Maine kuch samaan wagaira becha hoga. लेकिन मुझे ये भी पता है कि 3 महीने बाद मुझे विदेश में ही फॉरेन में 1 लाख डॉलर्स की पेमेंट भी करनी है. कहानी सुन समझ लो, मेरे पास आज 1 लाख डॉलर्स आए, इट्स गुड फॉर मी, बट मुझे ये भी पता है कि 3 महीने बाद मुझे 1 लाख डॉलर्स की ही पेमेंट भी करनी है एल्सवेयर. तो अब कहानी में क्या क्या ट्विस्ट है वो समझिए. तो हम सबसे पहले एक सिनेरियो को इमेजिन करते हैं. मैं बैंक के पास या करेंसी डीलर के पास गया, मैंने कहा ऐसा है मेरे पास 1 लाख डॉलर्स हैं, मुझे इंडियन करेंसी दे दो. सपोज 70 रुपीज़ का रेट था 1 डॉलर का. तो उसने कहा ठीक है. तो उसने मेरे को 1 लाख डॉलर्स मेरे से लिए और मुझे बदले में 70 लाख इंडियन रुपी दे दिए. अब मैं 3 महीने के लिए उस 70 लाख रुपीज़ का कुछ भी इस्तेमाल करूँ, ठीक है. तो जैसे ही मैंने उसे 1 लाख डॉलर्स दिए, उसने मुझे 70 लाख रुपीज़ दे दिए. मैं जाने लगा, कहते कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कहाँ जा रहा हूँ, मतलब जा रहा हूँ, मुझे मैं अपने घर जा रहा हूँ. कहते कुछ भूल रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं भूल रहा. कहते मेरी दलाली मेरी कमीशन, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें आपको कमीशन देनी पड़ेगी ना कन्वर्जन पर जो आप करेंसी कन्वर्ट करा रहे हो. मैंने कहा अच्छा, तो आपको करेंसी ये कन्वर्जन भी देना पड़ेगा. कहता बिल्कुल, हम तो बैठे हैं इसके लिए, हम नहीं तो क्यों करके देंगे आपको करेंसी कन्वर्ट. मैंने कहा ये ले भाई. चलो 3 महीने तक मैंने उस इंडियन रुपीज़ 70 लाख रुपीज़ का जो भी इस्तेमाल करना था करा. अब 3 महीने बाद मैं गया बैंक के पास या करेंसी डीलर के पास. मैंने कहा ऐसा है, मेरे को ना 1 लाख डॉलर्स चाहिए, US डॉलर्स दे दो, मेरे से बदले में इंडियन रुपी ले लो. कहते हाँ ठीक है ठीक है. तो वो करेंसी डीलर मेरे को कहता है निकालो 71 लाख रुपीज़. मैंने कहा वो भाई ऊपर वाले से डर, जब तेरे से मैंने लिए थे तूने मेरे को 70 लाख रुपीज़ दिए थे, अब आज तू मेरे से 71 लाख रुपीज़ मांग रहा है उस 1 लाख US डॉलर्स के. कहता है भाई साहब जब आपने 3 महीने पहले मेरे साथ ट्रांजेक्शन करी थी तब स्पॉट रेट था $1 = 70 रुपीज़, आज रेट है $1 = 71 रुपीज़. मैंने कहा अरे यार ये तो नुकसान हो गया. कहते हैं अब क्या करें, जो रेट है उसी पे तो देंगे आपको. मैं कहा ठीक है. फिर मेरे को उसको 71 लाख रुपीज़ देने पड़े और बदले में मुझे मिले 1 लाख US डॉलर्स. मैं जाने लगा, मैं बड़ा उदास था. मैंने कहा यार ये तो नुकसान हो गया यार. उसने फिर रोक लिया मेरे को, कहते हैं हाँ कहाँ जा रहे हो? मैं कहा घर जा रहा हूँ. कहते भाई साहब आप भूल जाते हो बड़ी जल्दी. मैंने कहा क्या भूल गया? मैं कह रहा मेरी कमीशन मेरी दलाली. मैंने कहा ये पकड़ भाई अपना बना ले ताजमहल भाई, तू एक तो पहले इतना लूट लिया अब और भी लूट ले, कमीशने भी ले ले अपनी. कहते हमारा काम है हम क्या करें. कहानी समझ आ गई यहाँ तक? अब इस कहानी को चेंज करते हैं. मेरे पास 1 लाख US डॉलर्स आए, मुझे पता है 3 महीने बाद मुझे कहीं एल्सवेयर पेमेंट भी करनी है 1 लाख डॉलर्स की. मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा बैंक ये पकड़ 1 लाख US डॉलर्स और बदले में इंडियन करेंसी दे दे, सपोज वही 70 रुपीज़ रेट पे. कहा ठीक है. मैंने कहा ऐसा है यही 3 महीने बाद मैं रीपरचेज भी करूँगा, यानी इंडियन करेंसी दूंगा और बदले में इधर से ये US डॉलर्स ले लूँगा, रेट आज ही फिक्स कर लेते. याद करो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फॉरवर्ड रेट, तो कोई भी रेट डिसाइड हो सकता है, 70 हो सकता है, 70.5 हो सकता है, 70.8 हो सकता है, 69 हो सकता है, 71 हो सकता है, कोई भी. तो एक तो ये फ़ायदा कि मेरे को अनसर्टेनिटी नहीं है, जैसे मेरे को पिछले एग्जाम्पल में 70 की जगह एकदम शॉकिंग 71 देने पड़ गए, यहाँ पर रेट मैं आज ही फिक्स करके चलूँगा. दूसरा फायदा पता क्या है? सिर्फ एक ही कमीशन लगेगी क्योंकि एक सिंगल ट्रांजेक्शन है, वहाँ पे डबल कमीशन देनी पड़ गई थी. जब मैंने इंडियन करेंसी ली थी US डॉलर के बदले में तब भी, और जब मैंने US डॉलर ली थी इंडियन करेंसी के बदले में तब भी. तो ये होता है करेंसी स्वैप. आइए पढ़ते.
इट रेफर्स टू अ स्पॉट सेल ऑफ करेंसी कंबाइंड विद फॉरवर्ड रीपर्चेज ऑफ द सेम करेंसी एज अ पार्ट ऑफ सिंगल ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल सपोज सिटी बैंक रिसीव्स अ $1 billion पेमेंट टूडे दैट इट विल नीड इन 3 months बट इन द मीन टाइम इट वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट दिस सम इन यूरोज. सिटी बैंक वुड इनकर लोअर ब्रोकरेज फी बाय स्वैपिंग द $1 million इन टू यूरोज विद फ्रैंकफर्ट डच बैंक एज पार्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजेक्शन. इंस्टेड ऑफ सेलिंग डॉलर्स फॉर यूरोज इन द स्पॉट मार्केट टूडे एंड एट द सेम टाइम रीपर्चेजिंग डॉलर्स फॉर यूरोज इन द फॉरवर्ड मार्केट फॉर डिलीवरी इन 3 months इन टू सेपरेट ट्रांजेक्शन. This swap rate is the difference between the spot and forward rates in the currency swap. So this is basically what we call currency swap. कि आप आज करेंसी बेचो but at the same time repurchase की भी transaction साथ ही साथ कर लो. Forward rate जो भी है वो आज decide कर लो. चलिए guys, our next topic is foreign exchange futures and options. Well, ये जो futures and options है ना, ये आगे financially को money and financial market पॉपुलरली नोन एज MFM वहाँ पर भी यूज़ होगा कॉन्सेप्ट, तो अच्छे से सीखेगा बच्चों. फॉरवर्ड मार्केट का थोड़ा ज्ञान होना भी ज़रूरी है इसको सीखने के लिए, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था. आइए शुरू करते हैं. एन इंडिविजुअल फर्म और बैंक कैन ऑल्सो परचेज और सेल फॉरन एक्सचेंज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. तो फॉरवर्ड के एक तरह से ऑल्टरनेटिवस हैं या वेराइटीज एज दिस से. सो आइए कुछ बात करते हैं. Trading in foreign exchange futures was initiated in 1972 by IMM, known as International Monetary Market of CME, Chicago Mercantile Exchange. A foreign exchange futures is a contract for standardized currency amount and selected calendar dates traded on an organized market. तो normal forward market क्या होता है कि भाई हम आज ही decide कर लेते हैं कि future में एक फलाना rate पर फलाना currency खरीदेंगे. कोई उसका फिक्स अमाउंट या कोई उसका फिक्स क्वांटिटी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड करेंसी यानी कोई पर्टिकुलर करेंसी की ट्रेडिंग होगी और सिलेक्टेड डेट्स पर ही होगी. सो करेंसीज ट्रेडेड ऑन द IMMR जैपनीज येन, कैनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक्स, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, मैक्सिकन पेसो एंड द यूरोस. सो IMM ट्रेडिंग इज डन इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज. स्टैंडर्ड साइज मतलब एक पर्टिकुलर क्वालिटी क्वांटिटी पर. Only 4 dates per year are available, 3rd Wednesday in March, June, September and December. IMM imposes a daily limit on exchange rate fluctuations as well. A market similar to IMM is the London International Financial Futures Exchange, LIFFE, short में, which started operations in September 1982. And और भी बहुत सारी future markets हैं जो आप मेरे notes में देख सकते हैं. The future market differs from a forward market in that in the future market only a few currency are traded and trade occurred in a standardized contract only for few specific delivery dates and are subject to daily limits on exchange rate fluctuation. And trading take place only in few geographical locations like Chicago, New York, London, Frankfurt and Singapore. Well, बेटा आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जब बात करते हो वो दुनिया में कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी करेंसी में हो सकता है, किसी भी डेट पर हो सकता है, बट इतने लेवरेज फ्यूचर्स के साथ नहीं. आप देख सकते हैं सिलेक्टेड डेट, सिलेक्टेड करेंसी, देन लिमिट भी है फ्लक्चुएशंस के ऊपर, तो ये थोड़ा सा इन अ वे बाउंडेड है कुछ लिमिटेशंस के साथ. सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूजली फॉर स्मॉलर अमाउंट्स देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड दस आर मोर यूजफुल टू स्मॉल फर्म्स देन टू लार्ज वंस बट समवट मोर एक्सपेंसिव. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन ऑल्सो बी सोल्ड एट एनी टाइम अंटिल मेचोरिटी ऑन एन ऑर्गेनाइज फ्यूचर मार्केट वाइल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट. तो ये एक इसकी अच्छाई है कि आप पहले ही बेच सकते. अब आता है ऑप्शन. माने या ना माने, जो सबसे ज़्यादा हेज करने का जो तरीका होता है या जो सबसे ज़्यादा फेमस है डील करने का करेंसी में, वो है ऑप्शन. ये बहुत ही ध्यान से सीखेगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ट्रस्ट मी प्रैक्टिकली इसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी होता है. अ फॉरन एक्सचेंज ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग द परचेजर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ कॉल ऑप्शन और टू सेल अ पुट ऑप्शन. अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ ट्रेडेड करेंसी ऑन अ स्टेटेड डेट दैट इज यूरोपियन ऑप्शन और एट एनी टाइम बिफोर द स्टेटेड डेट अमेरिकन ऑप्शन एट अ स्टेटेड प्राइस दैट इज स्ट्राइक और एक्सरसाइज प्राइस. इन सिंपल वर्ड्स, अगर मैं एक करेंसी डीलर को बोलता हूँ आज ही कि 3 महीने बाद मैं आपसे US डॉलर्स लूँगा, सपोज इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, तो दैट इज़ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक बात कि मैं 3 महीने बाद रेट आज फिक्स कर लेते हैं, मैं आपसे सपोज 1 लाख US डॉलर्स लूँगा, दैट्स अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. यही फ्यूचर्स कब हो जाता, जब मैं जो अभी मैंने पिछले टॉपिक में आपको मार्केट्स बताई वहाँ पर ट्रेड कर रहा होता. ऑप्शंस कैसे अलग है, ऑप्शन के अंदर ये है कि मैंने आज रेट फिक्स कर लिया कि 3 महीने बाद इस रेट पे उठाऊंगा. अब 3 महीने बाद मेरी विश है बेटा
एज अ बायर कि मैं उसे खरीदना चाहूँ तो खरीद लूँ, ना खरीदना चाहूँ तो ना खरीदूँ. सो दैट इज़ एन ऑप्शन अवेलेबल टू मी कि मैं उसको खरीदूँ या ना खरीदूँ. तो आप कहोगे सर थोड़ा सा और बताओ इस बारे में, अभी बताते हैं. फॉरन एक्सचेंज ऑप्शन आर इन स्टैंडर्ड साइज इक्वल टू दोज ऑफ फ्यूचर्स IMM कॉन्ट्रैक्ट्स. द बायर ऑफ द ऑप्शन हैज द चॉइस टू परचेज और फोरगो द परचेज इफ इट टर्न्स आउट टू बी अनप्रॉफिटेबल. द सेलर ऑफ द ऑप्शन हाउएवर मस्ट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट इफ द बायर सो डिजायर. सेलर को बेचना पड़ेगा. बायर पेज द सेलर अ प्रीमियम द ऑप्शन प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 1-5% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फॉर दिस प्रिविलेज वेन ही और शी एंटर्स द कॉन्ट्रैक्ट. तो अब अगर एज अ बायर मैंने आज वादा करा करेंसी डीलर को कि भाई 3 महीने बाद मैं $1,00,000 उठाऊंगा आपसे ऑप्शन में, और 3 महीने बाद मेरे को लगा यार मार्केट रेट तो अलग है, मेरे को तो नुकसान हो जाएगा इससे उठाने में, तो मैं छोड़ सकता हूँ वो कॉन्ट्रैक्ट को. लेकिन जो आपने ये प्रीमियम पे करा हुआ है, जो ऑप्शन प्राइस करा हुआ है पे, ऑप्शन प्राइस जो 1-5% है, वो फोरफिट हो जाएगा आपका. ठीक है. सो इन कॉन्ट्रास्ट नीदर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नॉर फ्यूचर आर ऑप्शंस. ऑल्दो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी यू नो रिवर्स्ड, अ पार्टी कैन सेल अ करेंसी फॉरवर्ड टू यूटिलाइज अ प्रीवियस परचेज, बट देन ऑब्वियसली वो थोड़ा सरदर्दी वाला काम है. एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी सोल्ड बैक टू फ्यूचर एक्सचेंज. बोथ मस्ट बी एक्सरसाइज, दैट इज बोथ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी ऑनर्ड बाई बोथ पार्टीज ऑन द डिलीवरी डेट. दस ऑप्शन आर लेस फ्लेक्सीबल देन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, बट इन सम केसेज दे मे बी मोर यूजफुल. कब ये यूजफुल है देखिए. For example, an American firm making a bid to take over a EMU, you know, European Monetary Union firm, may be required to promise to pay a specified amount in euros. Since the American firm does not know if its bid will be successful or not, it will purchase an option to buy the euros that it would need and will exercise the option if the bid is successful. So basically, option, you know, offers you that option whether to go ahead with the transaction as a buyer or you can, you know, just tell the seller that you are not interested anymore. But then wo jo aapne premium pay kiya hua hai, that will be forfeited. Foreign exchange risk. Dekhiye, risk to bahut hai yaar. Aaj aap kehte ho 3 mahine baad main $1,00,000 khareedunga ya jo bhi amount khareedunga. Aapko pata hai 3 mahine mein rate mein kitna farak aa sakta hai. So this is foreign exchange risk. Aaiye padhte hain. Through time, a nation's demand and supply curves for foreign exchange shifts, causing the spot and forward rate to vary frequently. A nation's demand and supply curve for foreign exchange shift over time as a result of changes in taste for domestic and foreign products in the nation and abroad. Different growth and inflation rates in different nations, changes in relative rate of interest, changing expectation and so on. So these are some of the reason, you know, through which jo change aa jati hai exchange rate mein. For example, if US taste for EMU products, again European products, increase, the US demand for euros will increase, that is the demand curve of euro will shift up, leading to rise in exchange rate, that is depreciation of dollar, jo hum piche ke chapters mein samjha chuke hain. In short, in a dynamic and changing world, exchange rate vary reflecting the constant change in the numerous economic forces simultaneously at work. Ab ye ek example, isko dhyan se samajhna, is example par aage kafi kaam hoga. For example, suppose a US importer purchases 1 lakh euros worth of goods from EMU and has to pay in 3 months in euros. If the present spot rate is $1 is equal to 1 euro, I should write, the current dollar value of the payment that he or she must make in 3 months is $1,00,000. However, in 3 months, the spot rate might be like 1.10. Then the importer would have to pay $1,10,000, that is 10,000 more for the imports. Of course, in 3 months, the spot rate might be 0.9 as well, in which importer ko would have to pay only 90,000 and 10,000 jo hai usko bach jayenge. However, the importer has enough to worry about the import business without also having to deal with the exchange risk. Ab aap bataiye, jo businessman hai, uske pas pehle kya kam sardardi hai? Apne business ke utar chadhav wo dekhe ya exchange rate ke kam jyada ko leke bhi apna sar phode? तो एटलीस्ट उसे एक तरफ से तो रिस्पाइट देंगे ना हम कि यार एटलीस्ट एक्सचेंज रेट की तो टेंशन ना हो उसे चेंज होने की. आइए, तो उस टेंशन को दूर करने का तरीका इज कॉल्ड हेजिंग. इट रेफर्स टू द अवॉइडेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिस्क और द कवरिंग ऑफ एन ओपन पोजिशन. ओपन पोजिशन ही तो है, कल को पता नहीं 3 महीने बाद क्या रेट हो जाए, फायदा भी हो सकता है आपको, नुकसान भी हो सकता है. For example, in our example, the importer could borrow those 1 lakh euros at the present rate of 1 and leave this sum on deposit in a bank to earn interest for 3 months, then when payment is due. अब इसमें वो क्या कर सकता था, हाँ 3 महीने बाद तो पता नहीं रेट क्या होगा, तो वो क्या कर सकता था, 1 lakh euros जो है वो अपना ले लेता अभी,
और वो 1 लाख यूरोज़ जो है उसने बोरो कर लिए और बैंक में डाल दिए, दूसरे बैंक में, जहाँ से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर रहा है. अब बाय डूइंग सो द इम्पोर्टर अवॉइड्स द रिस्क दैट द स्पॉट रेट इन 3 months विल बी हायर देन 2 days स्पॉट रेट, बट द कॉस्ट ऑफ इनकरिंग अगेंस्ट द फॉरन एक्सचेंज रिस्क इन दिस वे इज द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट द इम्पोर्टर हैज़ टू पे ऑन द लोन एंड द लोअर इंटरेस्ट रेट विच ही विल गेट ऑन द डिपॉजिट. सोचिए, आपने जिससे बोरो करे होंगे 1 लाख यूरोज, आप उसको भी इंटरेस्ट दोगे? यस सर. और जिसको लेंड कर रहे हो, जहाँ डिपॉजिट कर रहे हो, वहाँ से भी इंटरेस्ट मिलेगा. अब ये तो भैया कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमेशा पेमेंट वाला इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, रिसीविंग वाला इंटरेस्ट कम होता है. तो वो आपका सो कॉल्ड एक तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए. लेकिन ये मेथड अच्छा नहीं है. पता है क्यों? द अबव मेथड हाउएवर हैज़ अ सीरियस डिसएडवांटेज. द बिजनेस पर्सन और इन्वेस्टर हैज़ टू टाई अप हिज और हर ओन फंड्स फॉर 3 months. अब आप बताइए, वो जो 1 लाख यूरोज आपने बोरो किए थे, आपने कहीं जगह पे डिपॉजिट कर दिए जाके? हाँ सर, कर दिए. बेटे वही अगर तू धंधे में लगा लेता 3 महीने तो शायद बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता वहाँ से, पर तू लगा थोड़ा ना सकता, वो तो टाई अप हो गए, वो तो तूने एक जगह पे डिपॉजिट कर दी. सो टू अवॉइड दिस हेजिंग यूजली टेक प्लेस इन फॉरवर्ड मार्केट वेयर नो बोरोइंग और टाइंग अप ऑफ फंड इज रिक्वायर्ड. फॉरवर्ड में वही फ्यूचर ऑप्शन भी आ जाते हैं. दस द इंपोर्टर कुड बाय यूरोज फॉरवर्ड फॉर डिलीवरी इन 3 months एट 2 days 3 months फॉरवर्ड रेट. कि भैया आज ही डिसाइड कर ले क्या रेट है, किस रेट पे आगे पेमेंट करनी है. इफ द यूरो इज एट 3 month फॉरवर्ड प्रीमियम ऑफ 4% पर ईयर, द इंपोर्टर विल हैव टू पे 1,01,000 इन 3 months फॉर द 1 लाख यूरोज नीडेड टू पे फॉर द इम्पोर्ट्स. देयरफॉर द हेजिंग कॉस्ट विल बी $1,000 1%. सिंस नो ट्रांसफर ऑफ फंड टेक प्लेस अंटिल 3 months हैव पास्ड, सो नो टाई अप ऑफ फंड इज नीडेड. A foreign exchange rate can also be hedged in future or option market. For example, suppose that an importer knows that he or she must pay 1 lakh euros in 3 months and 3 months forward rate jo hai wo ye hai 1. The importer could either purchase those 1 lakh euros forward, in which case he or she will have to pay 1 lakh in 3 months and receive 1 lakh euros, 1 lakh dollar dekhe. On purchase or purchase an option to purchase 1 lakh euros in 3 months, say again at rate of 1. And pay now the premium of say 1%, which is $1,000. If in 3 months the spot rate of the currency is 0.98, the importer would have to pay $1 lakh with the forward contract. जबकि market rate ये है. कहते हैं but he or she could also let the option unexercise and get those 1 lakh euros at the cost of only $98,000 from the open market or spot market. In this case, the $1,000 premium can be regarded as an insurance policy. मैंने आपको कहा था ना, अगर आप छोड़ देते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को कि भाई मैं नहीं ले रहा, इसको एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो जो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया वो फॉरफिट हो जाएगा, तो वो नुकसान आपको झेलना पड़ेगा. And the importer will save $2,000 over the forwarded contract. तब भी 1,000 का तो फ़ायदा उसको रहेगा ही, $1,000 का फ़ायदा तो रहेगा ही. ठीक है मेरे बच्चों, तो अब तक हमने इस वीडियो में काफ़ी भारी भरकम टॉपिक्स देखे. करेंसी स्वैप, वेल करेंसी स्वैप कहता है कि अगर आप आज अगर कोई करेंसी एक्सचेंज कर रहे हो और आपको पता है कि फ्यूचर में दोबारा आपको ये चाहिए होगी करेंसी, तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन कर लो बैंक के साथ. फॉरेन एक्सचेंज फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर के साथ ये लिमिटेशन है कि स्टैंडर्ड करेंसी वो तो फॉरवर्ड ही है लेकिन उसके एक टाइप है. फ्यूचर के साथ लिमिटेशन ये है कि एक स्टैंडर्ड डेट पर होगा, स्टैंडर्ड करेंसी में होगा और फ्लक्चुएशन पे लिमिटेशन रहेंगी, तो थोड़ा सा इसके बंदिशें ज़्यादा हैं इसमें. ऑप्शन, वेल ऑप्शन के अंदर आपको फ़ायदा होता है एज अ बायर, अगर आपके फेवर में जा रही है ट्रांजेक्शन तो आप कंटिन्यू कर सकते हो ट्रांजेक्शन को, आपको लगता है कि नहीं मेरे अगेंस्ट है तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम का लॉस होगा. इस वाले में बच्चे फंसते हैं, इसलिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ. सपोज $1.70 का आज आपने एक ऑप्शन मार्केट में गए और करेंसी डीलर को बोला कि भाई ऐसा है मैं 3 months के बाद 71 पेमेंट करूँगा $1 की और मेरे को $100 चाहिए होंगे. उसके लिए आपने 1-2% प्रीमियम भी दे दिया, जो भी टोटल वैल्यू थी उसका. अब सपोज 3 महीने के बाद रेट 71 ही है तो आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है 2.71. अगर रेट 72 है तो आपके तो मजे आ गए क्योंकि आप तो 71 में पीछे छुड़ा लो. लेकिन अगर रेट 66 है तो भैया छोड़ दो, कहो मैं नहीं करता. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके 1-2% ही तो जाएंगे, तब भी फायदे में रहोगे क्योंकि ओपन मार्केट से तो 66 रुपीज में मिल जाएगा. सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑप्शन. अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं ऐसे तो सेलर को या डीलर को तो बड़ा नुकसान हो जाएगा. यूजुअली होता नहीं क्योंकि उन्हें अपने एक्सपीरियंस से पता होता है कि कितना रेट होगा, तो ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती नहीं. बट स्टिल पॉसिबिलिटी है, बहुत माइन्यूट है बट पॉसिबिलिटी है.
फॉरेन एक्सचेंज रिस्क की हमने बात बताई दी आपको क्या क्या होते हैं, किस किस वजह से होते हैं। हैजिंग आपको तरीके बताए हैं, पहला तरीका तो फेल था वो लोन लेके दूसरी जगह डिपॉजिट कर दो। उसके बाद हमने बताया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे कर लो, फ्यूचर्स पे कर लो, ऑप्शंस पे कर लो, और आपने देखा ऑप्शन वाला मेथड ही सबसे बेटर है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खतरनाक लोगों की कहानी, खिलाड़ी लोगों की कहानी, जिसे हम सेमेस्टर 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स में बोलते थे रिस्क लवर। तो अगले वीडियो में देखेंगे रिस्क लवर्स को। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।